तो भाई अभी हमने लास्ट क्लास में कनेक्शन ऑनर कनेक्शन फॉरवर्डर डिस्कस कर रहे थे। मुद्दा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब कल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कल किसने देखा है? अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं क्लस्टर इंडिविजुअल इंटरफेस मोड, ये क्या होता है और इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब ये समझने के लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्लस्टर स्पैंड ईथर चैनल मोड कैसे काम करता है। लोड बैलेंसिंग अपने आप हो जाती है, सभी डिवाइसेस के पास हर इंटरफेस पे सेम आईपी एड्रेस होता है, वो सारी चीजें। वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में भी सपोर्टेड है, राउटेड फायरवॉल में भी सपोर्टेड है, सिंगल मोड में भी है और मल्टीपल मोड में भी है, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल इंटरफेस मोड। पहली बात तो ये सपोर्टेड है राउटेड फायरवॉल में, इट इज सपोर्टेड इन राउटेड फायरवॉल। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस देयर इज नो पोर्ट चैनल क्रिएटेड विद डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच, या फिर आप कह सकते हो अपने आप लोड बैलेंसिंग नहीं होती। इन दिस ईच एएसए शेयर्स डिफरेंट आईपी एड्रेस ऑन इट्स इंटरफेस एंड लोड बैलेंसिंग इज नॉट डन ऑटोमेटिकली, लोड बैलेंसिंग अपने आप नहीं होती। जो आपके स्विच के साथ मतलब फायरवॉल के एडजेसेंट लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं, राउटर या फिर लेयर 3 स्विच, लोड बैलेंसिंग हम वहां से परफॉर्म करवाते हैं, ईसीएमपी, पीवीआर, अब या फिर एक और नया फीचर जो कि मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखा दूंगा, वो यूज होते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। अभी स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ। पहले एक सिनेरियो बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आईपी है 1.1 और यहाँ पर आईपी है 2.1, ये है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/1। सीसीएल इंटरफेस मैंने यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखाया। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट तो वही राउटेड फायरवॉल में सपोर्टेड है, अगर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है तो आप नहीं कंफिगर कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें फायरवॉल के इंटरफेसेस मिलकर स्विच के साथ क्या नहीं बनाते, पोर्ट चैनल नहीं बनता,
ठीक है, कोई पोर्ट चैनल क्रिएटेड नहीं होता। एंड दूसरी बात क्या, जैसे कि स्पेंड इथर चैनल में यहाँ पर अगर 1.10 IPM, यहाँ पर भी क्या होता था, यहाँ पर भी क्या होता था, जो कि IPM कहाँ कन्फिगर करते थे, पोर्ट चैनल पे। हम वी यूज टू कन्फिगर IPM पोर्ट चैनल एंड दैट पोर्ट चैनल वॉज अवेलेबल ऑन ASA1, ASA2 एंड ASA3, या फिर अगर 5 ASA तो 500 के 500 ASA पे होता था, तो सेम IP शेयर हो जाती थी। इंडिविजुअल इंटरफेस मोड का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब भी क्या है, हर ASA के पास अपना इंडिविजुअल IP एड्रेस होगा। मतलब यहां पर मान लेते हैं 1.10, यहां पर मान लेते हैं 1.11 और यहां पर मान लेते हैं 1.13, 1.14, हर फायरवॉल के पास अपना इंडिविजुअल IP होगा। इस तरफ भी इंडिविजुअल IP होगा, मान लेते हैं यहां पर 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, हर फायरवॉल के पास अपना इंडिविजुअल IP एड्रेस होता है। अब बात ये आती है कि भाई अगर यहां से ट्रैफिक आएगा तो कौन सी फायरवॉल उसको ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि जब भी कोई ट्रैफिक आए वो सारी की सारी फायरवॉल से क्या हो, पास। अब अगर मैंने इस फायरवॉल पर गेटवे कॉन्फ़िगर किया 1.10, तो सारा ट्रैफिक हमेशा कहाँ से जाएगा, कोई भी ट्रैफिक 1.11 से नहीं जाएगा, 1.12 से नहीं जाएगा। तो ट्रैफिक को लोड बैलेंस कराने के लिए क्या यूज होता है, ECMP। मतलब जैसे कि मैं राउटर 1 इस आईपी के बीच में क्या चला दूं, EIGRP। और अगर राउटर 1 की इन तीनों IPs के साथ नेबरशिप बनेगी तो राउटर 1 इस IP के लिए 3 राउट लर्न कर लेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल का ये फीचर है ना, इक्वल कोस्ट मल्टीपाथ, एक ही डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल पाथ सपोर्ट करना। लो गई बैटरी है ना। कौन क्या बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है कोई, नहीं पूछ रहा, तो समझ में आया ना। या तो हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उससे नेबरशिप अप कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगी, लोड बैलेंसिंग। वो इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ अगर मैंने कॉन्फ़िगर करना है तो इधर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और इधर भी, दोनों तरफ से लोड बैलेंस तभी हो पाएगा ना। सेम वे मैं इस राउटर 1 पर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ क्या, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, कि भाई अगर 1.0 नेटवर्क ट्रैफिक आए वो ASA1 से चला जाए, 2.0 आए वो यहाँ से चला जाए, 3.0 आए वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, अगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर किया वो भी यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहाँ पर भी। लोड बैलेंसिंग अपने आप परफॉर्म नहीं होगा, लोड बैलेंसिंग आपको परफॉर्म करानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका होता है लोड बैलेंसिंग कराने का, जो कि नया फीचर है, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट, मे बी इस PDF के अंदर होगा। रुको ना, अभी क्या देख रहे हैं अभी हम, इंडिविजुअल इंटरफेस मोड, सारी कुछ आपको चीजें डिटेल में मिलेंगी बढ़िया तरीके से। ये रहा इंडिविजुअल इंटरफेस मोड, राउटेड फायरवॉल ओनली, मास्टर ऑन रिसीवर, ये अभी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा ये तो। ये रहा देखो, एक तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ। इसमें भी नहीं दिया क्या कोई नया फीचर आया है कोई, क्या यहाँ पर है,
पॉलिसी बेस्ड इक्वल, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, एक और होता है, ये तो नहीं है, आईटीडी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक डायरेक्टर, जो कि आपके नए डिवाइसेस के अंदर है, नेक्सस, छोड़ ही देते हैं फिर, क्योंकि अभी तो समझ में आ रही सारी चीजें, क्यों हम घर डीप में गए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लोड बैलेंसिंग अपने यहाँ परफॉर्म नहीं होती, हमें परफॉर्म करानी पड़ती है। तो आप ना पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के साथ एसएलए भी लगा सकते हो, आपका एक टॉपिक रह गया स्टैटिक राउट ट्रैकिंग, उसको कल ही कर लें स्टैटिक राउट ट्रैकिंग, क्योंकि अब तो जल्दी है ही नहीं, तो कल स्टैटिक राउट ट्रैकिंग करते हैं। पीबीआर के साथ हम स्टैटिक राउट ट्रैकिंग भी लगा सकते हैं कि अगर भाई ये आईपी रीचेबल हो तो ही यहीं से जाए, नहीं तो कहीं और से चला जाए, वी कैन डू दैट एज वेल। याद दिला देना कल क्लास में, हम कभी मैं एमपीएफ स्टार्ट कर दूं। और ऑनलाइन वैसे ये टॉपिक समझ में नहीं आता, चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं आप। अभी ये जो मैंने पॉइंट लिखे थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, लोड बैलेंसिंग अपने आप नहीं होता, हमें करवाना पड़ता है। अब क्या करते हैं, एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एएसएस के बीच में पहले क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसको मास्टर बना देते हैं, इसको स्लेव, इसको स्लेव, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि भाई यहां पर आईपी हो, वन डॉट टेन, यहां पर आईपी हो, वन डॉट इलेवन, यहां पर आईपी हो, वन डॉट ट्वेल्व, इसी तरीके से यहां पर टू डॉट टेन, प्रैक्टिकल करें। पहले तो क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपना, बेसिक क्लस्टर, मास्टर स्लेव वही क्लस्टर, प्रायोरिटी क्लस्टर, इंटरफेस, वो सब जो आप सभी को पता है। सही तो है, वो मन ही मन में तो हो गया था। इंच टेप ले आओ, नाप लो। पहले तो नोटपैड पे करते हैं ताकि इट विल बी इजी। क्लस्टर इंटरफेस मोड इंडिविजुअल क्लस्टर ग्रुप सीसी इंटरफेस ई टू मूसट क्लस्टर ग्रुप सी सी आई प्रायोरिटी वन क्लस्टर इंटरफेस ई टू विद आई पी लोकल यूनिट नेम ए एस ए वन। भाई आपका नेट कनेक्शन स्लो हो गया होगा, बाकी सबको हो रही है शो स्क्रीन? फिर से कर देते हैं। और क्या बची, इनेबल, इनेबल बाद में चला लेते हैं। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी ये चलाते हैं पहले ए से बनकर। कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, इसके बाद ऐसे टू पर हमने क्या किया, प्रायोरिटी को टू कर दिया, आईपी को कर दिया 101 और इसको कर दिया टू। ठीक है, इसको
इसके बाद राइट हो गया 3, आईपी हो गया 2, 3। अब क्या कर दिया, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन हो चुका है, वैसे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, बट यहां पर एक चीज हमें समझने वाली है कि भाई हमें क्या करना है। अब ASA 2 पर भी कुछ डिफरेंट आईपी का कॉन्फ़िगर करना है, ASA 3 पर भी, लेकिन ना तो मैं ASA 2 पर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं और ना ही ASA 3 पर। तो हाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर डिफरेंट आईपी एड्रेस ऑन ईच फायरवॉल, कहां से कॉन्फ़िगरेशन तो मास्टर से ही होगी। देयर इज नो वे बाय व्हिच आई कैन डू कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्लेव यूनिट। रेप्लिकेट तो होगी, मतलब देखो अगर मैंने ये भी किया, मैंने ASA 1 पर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 1.10, वो आईपी सभी फायरवॉल पर दिख जाएगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है। करके देखें एक बार, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे हम क्योंकि हमारा मोड कैसा है। अगर मैं ASA पर जाकर अभी मैं केवल एक कमांड चलाता हूं, आईपी एड्रेस एंड देन आईपी एड्रेस एंड एंटर, दैट कमांड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल इंटरफेस मोड। खड़े होके भी ले सकते हो क्लास अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो देखो अगर मैं गया यहां पर इंटरफेस E0, नो शर्ट कमांड चल गई, नेम इफ कमांड भी चल गई, आईपी एड्रेस कमांड ना जी ना, ऐसे नहीं दे सकते तुम आईपी, क्योंकि फायरवॉल को भी पता है तुमने मोड कौन सा कॉन्फ़िगर किया है। इंडिविजुअल सभी फायरवॉल पर सेम आईपी नहीं हो सकता। अगर यहां पर ये कमांड एक्सेप्ट हो गई तो सभी फायरवॉल पर क्या हो जाएगा, सेम आईपी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, क्लस्टर पूल मस्ट बी स्पेसिफाइड ऑन दिस इंटरफेस। अब आप सभी को यहां पर ये समझ में आया होगा कि हमें मास्टर यूनिट से ही अगर 8 फायरवॉल है तो 8 फायरवॉल पर अलग अलग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए मास्टर को पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरफेस मोड में होता क्या है, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट ए लोकल पूल। जो भी आईपीज आपको प्रोवाइड करनी है उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, पूल, एंड देन बाइंड दैट पूल विद आईपी एड्रेस कमांड। इनसाइड के लिए अलग पूल होगा, आउटसाइड के लिए अलग पूल होगा। जैसे कि अभी मेरे को इनसाइड में आईपी एलोकेट करने हैं 1.1, 1.10, 1.11, 1.13, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आईपी लोकल पूल नाम दे दिया इनसाइड इंटरफेस, क्योंकि इसका इनसाइड इंटरफेस है, आईपी बता दिया 1.11 to 1. जैसे कि 7-5 फायरवॉल है मेरे पास, तो कितना हुआ 1.16, और इसको क्या किया, इंटरफेस E0, आईपी एड्रेस 1.10, और यहां पर क्या बाइंड कर दिया, क्लस्टर पूल का नाम इनसाइड। अब सभी फायरवॉल पर एक एक करके एक आईपी के एड्रेस क्या हो जाएगा, असाइन। समझ में आया, पूल मस्ट बी क्रिएटेड। वो कमांड ग्लोबल इंटरफेस मोड की थी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की, लेकिन इंटरफेस मोड में चलाई थी, बट दिस इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्योंकि ये देखो कमांड चलाई थी, मैं कहाँ चला गया, ग्लोबल में। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, नो मैटर वेदर इट इज स्पैंड ईथर चैनल मोड और इंडिविजुअल इंटरफेस मोड, स्पैंड हो या फिर इंडिविजुअल इंटरफेस मोड हो फर्क नहीं पड़ता, जो हर फायरवॉल का मैनेजमेंट आईपी होता है दैट इज डिफरेंट। स्पैंड ईथर चैनल मोड में भी मैनेजमेंट आईपी अगर होगा फायरवॉल का, वो क्या होगा, डिफरेंट। तो अगर मैनेजमेंट आईपी असाइन करने, तो उस केस में भी क्या यूज होता है, क्लस्टर पूल, केवल कौन से इंटरफेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, स्पैंड ईथर चैनल में।
अब चलो जल्दी से खत्म करते हैं, एक और पूल बनाते हैं आउटसाइड, और यहां पर दे दिया आईपी 2.11 2.16 इंटरफेस E1 नो सेट नेम इफ आउटसाइड आईपी 2.10 क्लस्टर पूल आउटसाइड। अब अगर मैं ए से 2 पर जाकर आईपी देखूंगा, व्हाट 2.11 से आगे, जो नेक्स्ट को भेजेगा वो उसमें से भेजिए। हाँ देखो अभी क्या होगा, ए से बन पे ये तो हो गया 2.10 इस इंटरफेस का आईपी, और इसके पास इस यहाँ इस पूल से भी एक आईपी आया होगा, नहीं आया? ए से बन है ना, उस आईपी को इग्नोर कर दिया इसने, इस आईपी को। लेकिन अगर आप फिजिकल डिवाइस होता तो दो आईपीस दिखाता, या फिर हम क्या करते हैं पूल का चेंज करते हैं, समझ में आ गया ना? चलो अब ज्यादा वो नहीं करते। देखो यहां पर 1.11 आ गया, यहां पर 1.12 और यहां पर 1.13, हर फायरवॉल के पास क्या है अपना इंडिविजुअल आईपी। ठीक है, अब पूल बना के आईपी असाइन करने थे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट स्पैन ईथर चैनल मोड में कौन से इंटरफेस के लिए यूज होगा? मैनेजमेंट इंटरफेस, स्पैन ईथर चैनल में मैनेजमेंट इंटरफेस में भी हर फायरवॉल का क्या होता है इंडिविजुअल आईपी। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल कोस्ट मल्टीपाथ वगैरह सपोर्ट होते हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं, अगेन दिस इज न्यू, मतलब पहली बार कर रहे हैं मैं, हम क्या करते हैं ASA पर राउटर EIGRP कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ये नेटवर्क भी एडवर्टाइज करते हैं और ये वाला भी, और राउटर वन पे भी EIGRP रन करते हैं, देखते हैं कि उसके पास ये वाला राउट 3 IP से आता है या नहीं। कमांड हमें बस कहाँ चलानी पड़ेगी, अब EIGRP तीनों राउटर पे कॉन्फ़िगर हो गया होगा, ये कमांड भी चल गई क्या? ठीक है, अब ए राउटर वन पे जाते हैं, किसी के साथ भी नेबरशिप अपनी आई, ये तो मतलब गलती बात हो गई। हो सकता है अभी, मतलब अगर आपको याद हो स्विच पर हमने वो बनाया था पोर्ट चैनल वगैरह, शो रन इंटरफेस E0/1, वो पोर्ट चैनल कन्फिगर्ड है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज E0/0 to 3, इंटरफेस रेंज E0/0 to 3, स्विच पोर्ट होस्ट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ये देखो 3 डिवाइसेस के साथ नेबरशिप अब आ गई, डू शो आई पी राउट EIGRP। अब ये देखो 2.0 मल्टीपल नेटवर्क से आ रहा है, इसका मतलब राउटर वन अपने आप ट्रैफिक को क्या कर देगा, लोड बैलेंस। ठीक है, अब कुछ पॉइंट रह गए, सपोर्टेड फीचर कौन से थे, अनसपोर्टेड फीचर कौन से थे, पढ़ लेना एक बार PDF से, कल मैं आपको कवर करके बता दूंगा। ठीक है।